الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قل شيئا जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। नियत का बहुत बड़ा दखल है। आदमी कोई नियत ही न करे तो काम नहीं बनता है। एक आदमी नियत करे तो मुस्तकिल उसको अल्लाह ताला अज्र देते हैं और फिर अमल की तौफीक भी हो जाती है। सुनते तो हम बहुत हैं, हमसे अच्छे अच्छों को आपने सुना होगा और अब बातें इतनी हो गई कि हमारे कान भी आधे हो गए। ये बुजुर्ग ने लिखा है कि अब बयान का मकसद जो होता है वो दिल बहलाना हो गया। बड़ा बल लगे मजा आ गया। बहुत दिन हुए बयान नहीं हुआ, बयान करो। सुस्तगी दीन जिसको कहते हैं। हालांकि वाज का मकसद, बयान का मकसद जो होता है वो ये नहीं होता है बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी को चेंज लाना, अपनी ज़िंदगी को संवारना, अपनी ज़िंदगी को बनाना। गलत सोच, गलत रविश, गलत कमाइयाँ, गलत इबादतें, रस्म व रिवाज को छोड़ना और रब चाहे जिंदगी पर आना, ये बयान का मकसद होता है। अगर ये होता है तो नफ़ा है, तो सुनने का भी फायदा है और कहने का भी फायदा है। श्री कल कयाम की अल्लाह तबारक व तआला बयान करने वाले से पूछेंगे क्या नीयत थी कहने की, अपनी वाहवा करवानी थी, अपना डंका बजवाना था, अपनी शोहरत थी, अपना प्रचार था। और सुनने वालों से अल्लाह पूछेगा कि क्यों सुना था, नींद नहीं आई थी इसलिए मस्जिद में आ गए थे, या कोई क्या कहेगा इसलिए मस्जिद में आ गए थे। फलनस अलमीन फलनस अलमसलीम, जिनको भेजा गया उनसे भी पूछा जाएगा और जिसकी तरफ भेजा गया उनसे भी पूछा जाएगा, नबी से भी पूछा जाएगा और नबी की उम्मत से भी पूछा जाएगा। इसलिए मैं और आप, हम सब खतरे की लाइन में हैं।
अल्लाह हम सब को इस कचरे से बाहर निकाल दें और अल्लाह सही अमल की तौफीक दें। बात लंबी नहीं करनी है, इंसान की बात का वक्त है, रातें मुख्तसर हैं। चंद बातें मर्दों के मुतालिक हैं और चंद बातें औरतों के मुतालिक हैं। मर्दों के मुतालिक ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया है और मर्द बनाया है। दुनिया में एक इंसान ऐसे मखलूक हैं कि दुनिया के ताकतवर से ताकतवर चीज पर कंट्रोल करने की सलाहियत अल्लाह ने इंसान को दी। ताकतवर से ताकतवर जानवर हो लेकिन इसको पिंजरे में करना, इसको काबू में करना, इसकी सलाहियत और आवरत ये इंसान के पास है। शेर पिंजरे से निकल जाए तो शेर को पिंजरे में लाने के लिए दूसरा शेर नहीं आता है। हाथी अगर बेकाबू हो जाए, पागल हो जाए तो उस हाथी को कब्जा करने के लिए कोई और हाथी नहीं लाया जाता है। ट्रैक्टर अगर खाई में गिर जाए तो उस ट्रैक्टर को बाहर लाने के लिए दूसरा ट्रैक्टर आकर बाहर नहीं निकालता है। हाँ, ट्रैक्टर लाया जाता है लेकिन चलाता इंसान है, उसकी ढाई जो करते हैं वो इंसान करता है। प्लेन हवा में रास्ता भूल गया तो भूले हुए प्लेन को सही दौर पर लाने वाला एक इंसान ही होता है, दूसरा प्लेन नहीं होता है। इंसान और मर्द की सलाहियत रखता है। इंसान ने अपनी कीमत को नहीं समझा है तो कुत्ता महंगा हो गया, इंसान सस्ता हो गया। और इंसान इतना सस्ता हो गया कि जिसका जी चाहे वो इसका खून कर दे, कोई पूछने वाला नहीं। जिसका जी चाहे इसका मर्डर कर दें, किसी की बहू बेटी को छेड़ दें, किसी के जवान बेटे को मार डालें, किसी के छोटे बच्चे का कत्ल कर डालें, हड्डियां निकाल दें। इंसान इतना बेकीमत हो गया और कुत्ता इतना कीमत वाला हो गया कि वो प्लेन में घूमता है, वो बंगलों में रहता है और कारों में घूमता है, उसको अच्छी अच्छी डिजाइन खिलाई जाती है। ये फर्क क्यों हुआ? फर्क इसलिए हुआ कि इंसान ने उसके जिम्मे जो चीज थी उसको पूरा नहीं किया और एक हैवान ने जिसको कुत्ता कहा जाए उसने अपने आप को जिम्मेदारी पर लगा दिया तो वो कीमत उसकी हो गई और जिसने जिम्मेदारी नहीं निभाई वो भी कीमत हो गया। इंसान की जिम्मेदारी क्या है? का इंसान की जिम्मेदारी ये है कि ये इंसान बनकर हकीकी माने में एक मोमिन बनकर दुनिया में जिंदगी गुजारे, ये इसकी जिम्मेदारी है। इंसान उसे नहीं कहते हैं जिसके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, मुंह है, 32 दांत हैं, पेट में आंख है। ये सारी चीजें तो अवयव हैं, आजा हैं, और ये एक हैवान को भी होते हैं। दुनिया में इंसान पैदा होता है तो एक ढांचा लेकर पैदा होता है, वो हकीकी इंसान नहीं है। हकीकी इंसान तो बनना पड़ता है। एक इब्राहिम है तो इब्राहिम का एक ढांचा है कि भाई ये 6.5 फुट के आदमी हैं, इनके सर में बाल हैं, दाढ़ी के भी बाल हैं, ऐसे लहीम शहीम हैं, दिखाव में ऐसे हैं, ये सारा ढांचा है। उसके अंदर एक इब्राहिम है जिसको इस इब्राहिम को बनाना पड़ता है और वो इब्राहिम मेहनत मांगता है। जब अंदर का इब्राहिम इस्माइल दाऊद सुलेमान मूसा ईसा अंदर का बन जाता है तो बाहर का इब्राहिम सुलेमान मूसा ईसा दाऊद सही हो जाता है। फिर इसकी सोच सही होती है, इसकी आंख सही देखती है, इसके कान सही सुनते हैं, इसकी जबान गाली नहीं देती, इसके पैर गलत नहीं चलते, इसके हाथ किसी पर जुल्म नहीं करते, इसका पेट हराम को कबूल नहीं करता, इसकी अकल कभी गलत नहीं सोचती। जब अंदर का इंसान बन जाता है और नबी दुनिया में इंसान को इंसान बनाने के लिए आते हैं और ये भी आप सबको पता है, दुनिया का हर इंसान जानता है, दुनिया में हर चीज के बनने की फैक्ट्री और कारखाने हैं,
इंसान को हकीकी माने में इंसान बनाने का कोई कारखाना नहीं है। अरे कोई कारखाना है आपके नापा के अदराक में है? पूरी दुनिया में आप चले जाओ, किसी भी कॉलेज में चले जाओ, कॉलेज के किसी साल में पहली से लेकर 12 तक, उसके बाद 3 साल कॉलेज के, और जितनी डिग्रियां दुनिया में लोग बनवाते हैं उसमें कोई डिग्री ऐसी नहीं है जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाता है। बल्कि अगर मुसलमान का बच्चा है अपना ईमान आमाल बनाए बगैर, अपना दीन बनाए बगैर अगर उस फील्ड में गया तो इंसान बनकर जाएगा और हैवान बनकर निकलेगा। ये जो मेहनत आप देख रहे हैं, वो कहते हैं मैंने BSc की, मैंने हिफ्ज किया, वो कहते हैं मैंने 12वीं की और हिफ्ज किया, मैंने कॉलेज के 3 साल वो हिफ्ज किया, ये क्या है? दीन के साथ इंसान बाकी रहे, ये डिग्री भी हो और इंसान भी हो, ये सही माने में उम्मत का दर्द हो, उम्मत का गम हो, उम्मत की फिक्र हो, उम्मत को लूटने का जज्बा न हो। डॉक्टर है बेदीन है तो उसकी नीयत एक होगी कि इसके बिगे बिक जावे, मेरा बंगला बन जावे, इसका जो होना वो हो, लेकिन मेरा बेटा MBBS हो जाना चाहिए, ये सोच है आजकल के डॉक्टरों की। और जिसको दवा खाने का वास्ता पड़ा उसको पता है गमे ते करो हमें मोहर नहीं करता, हमें घुना चाहिए। क्या हुआ? क्या इसने इंसान को काटना सीखा है? इंसान को रहम करना नहीं सीखा है। और कुरान की तालीम यह है कि तू रहम दिल बन, जब कुरान इसके सीने में होगा तो इसका कुरान इसको बार बार टॉर्चर करेगा कि तू मुसलमान है, तेरे सीने में कुरान है, तू किसी के पास से नहीं लेगा, तू अल्लाह से लेगा और मखलूक को देगा। ये डॉक्टर बनेगा तो इसके दिल में रहम का मादा होगा, ये मास्टर बनेगा तो उसके दिल में तकवा और तहार, उसकी आंख में हया होगी, वरना ये मास्टर बढ़ाएगा कुछ और देखेगा कहीं और, उसकी आंखों में हया नहीं होगी। ये कॉलेज में लेक्चर देगा, कौन है का प्रोफेसर है लेक्चर देता है, लेकिन उसकी आंख कहीं और है, किसी की बहू बेटी इससे महफूज नहीं होगी। भाई क्या हुआ? का उसके पास डिग्री है लेकिन आंखों में हया का दिल नहीं है। ये मेहनत इसकी है कि हमारा बच्चा पायलट बने लेकिन दीनदार बनकर पायलट बने, बेदीन होकर पायलट न बने, ये दुनिया की सारी डिग्रियां हासिल करें लेकिन दीन के साथ, कुरान के साथ, अल्लाह के फरामीन के साथ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के साथ। अल्लाह ताला ने हमें मर्द बनाया है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, हम अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं। और एक अच्छा इंसान बनने के लिए उस वक्त तक आदमी अच्छा इंसान नहीं बनता जब तक वो कुरान को न समझे, जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को न समझे, अल्लाह को और नबी को न समझे। घर में एक हाफी होता है ना तो पूरा घर का वातावरण चेंज हो जाता है। आपके गांव में कोई नर्स है, नर्स कंपाउंडर कोई है, आप उसके घर का हाल देखिए, खाली कंपाउंडर ही करता होगा वो जवान, या वो लड़की नर्स कर तो करती होगी, लेकिन जो माहौल 8 घंटे वहां रहती है वो सारा माहौल लेकर घर में आती होगी। घर में आएगी सबको सैनिटाइजर को लगा देगी, हाथ धो मुंह धो पैर पूछो ये करो वो करो, 8 घंटे का ये असर है कि उसको 8 घंटे वहां क्लीन माहौल मिला है, साफ सुथरा माहौल मिला है, अब ये चाहता है मेरा घर भी साफ सुथरा है। ये तो दुनिया की साफ सुथराई है कि जिस्म गंदगियों से और बीमारियों से महफूज रहे, लेकिन अंदर का मन जो है वो मन मैला है तो बाहर की सफाई कुछ काम की नहीं। अब बाहर का भी साफ है, अंदर का साफ करने के लिए क्या है? का वो कुरान है, वो हदीस है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन है, कुरान की तालीमात है। अब घर में बच्चा हाफिज होगा तो घर में उसका असर होगा,
हाफिज भी है, फिर डॉक्टर भी है, तो सोने पे सुहागा है कि दिल की सफाई का भी सामान है और घर के बाहर के माहौल का भी सामान है। इस्लाम दुनिया की डिग्री हासिल करने से मना नहीं करता है। लोगों की गलत सोच है कि मौलवी लोग बच्चों को मौलवी बना बना करते हैं। भाई हम इसको मौलवी और हाफिज इसके लिए बनाते हैं ताकि ये अपना ईमान न बेचे, ये अपने ईमान का सौदा न करें। अगर इसको कुरान और हदीस का इल्म नहीं होगा और ये अपने खालिक मालिक करता धरता परवरदिगार को नहीं पहचानेगा तो ये कॉलेज में जाकर अपने ईमान के लाले पड़ जाएंगे। इसमें ये ईमान के सौदे करेगा, झूठ बोल देगा या कहीं और फंस जाएगा। हालात हमारे सामने है, हम मना नहीं करते हैं, जो चाहे डिग्री लें लेकिन ईमानदार बनकर लें। सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम में पढ़े लिखे लोग भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर मेहनत की और इतनी मेहनत की कि दिल में अल्लाह का खौफ ऐसा बैठ गया कि मिस्र के इलाके में एक कुत्ता पानी में डूब जाता है, हजरत उमर मदीने की सरजमीन में खलबली मच गई। अल्लाह को क्या जवाब, कहाँ मिस्र कहाँ मदीना और कुत्ता वहाँ बह गया पानी में, पानी की बाढ़ आई, हजरत उमर मदीने में दल पापड़ है, अल्लाह को क्या जवाब देंगे। और यहाँ तो लोग भूख से मर रहे हैं बल्कि मार दिए जाते हैं, क्या अल्लाह के सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा। हमारी तालीमात हैं, हम में हर आदमी जिम्मेदार है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो कि मैं अपने घर का जिम्मेदार हूँ, मैं अपने मोहल्ले का जिम्मेदार हूँ, मैं अपने गांव का जिम्मेदार हूँ, अल्लाह ने मुझे समाज का बड़ा बनाया है तो मैं समाज का जिम्मेदार हूँ, मैं अपने खानदान में बड़ा हूँ तो मैं अपने खानदान का जिम्मेदार हूँ। मुझसे अल्लाह मेरे पूरे खानदान की जिम्मेदारी का सवाल करेगा कि तूने इनको कितना दीन दिया, तूने इसको इन सबको मेरे से कितना जोड़ा, और मेरे महबूब जो जिंदगी लेकर आए वो जिंदगी इनकी जिंदगियों में कितनी आई, तूने इनको दुनिया की सारी चीज़ें दी, ठिकरे भी दे दिए, दुनिया के टुकड़े भी दे दिए, डिगड़ियाँ भी दिलवा दी, क्या तूने इनको मेरा और मेरे महबूब का ताल्लुक करवाया, इनको जीना सिखाया। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें एक जिंदगी दी है और एक जिम्मेदारी है, सबसे बुनियादी चीज़ हम अपने आप को बनाएं। हम में का हर आदमी ये तय कर लें मुझे एक सही मोहम्मदी बनकर जिंदगी गुजारना है, सच्चा पक्का मोहम्मदी बनना है, खाली थूक उड़ाने वाला नहीं, थूक उड़ गया बात खत्म, ये नहीं, दावे वाला नहीं, अमल वाला। अल्लाह के यहाँ दावा का काम नहीं है, वहाँ तो अमल चाहिए। दावा तो अबू जहल को भी था, अबू जहल को भी दावा था कि हम में से हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, लेकिन बात नहीं मानी। अबू लहब भी कहता था हमारे खानदान का है, कुरैश के बड़े बड़े सरदार कहते थे हम जानते हैं इनको, लेकिन बात नहीं मानी तो बात नहीं बनी। और मिलान ने पैदाइशी भी नहीं देखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हफ्सा से आए देखने में भी अच्छे नहीं है, सूरत शक्ल से भी अच्छे नहीं है, लेकिन बात मान गए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिंदगी की दावत दे रहे हैं ये हक है और सच है। अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दे दी, हजरत सलमान को अल्लाह ने इज्जत दे दी, सुहैब को अल्लाह ने इज्जत दे दी, अबू हुरैरा को अल्लाह ने इज्जत दे दी, हजरत खंसा को अल्लाह ने इज्जत दे दी, खौला बिनते अजमर को अल्लाह ने इज्जत दे दी, खौला बिनते सालबा को खुदा ने इज्जत दे दी, और ऐसी इज्जत दी हजरत खौला का एक मसला हो गया शोहर के साथ का, एक मसला ऐसा हो गया हजरत खौला ने अल्लाह से शिकायत, अल्लाह ने उसकी शिकायत को कुरान में जिक्र किया है, कद समी अल्लाह कौलल लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा वतश्तकी इलल्लाह। हजरत खौला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लम, मेरा मसला हो गया मेरे शौहर के साथ में, और ऐसे बोल बोल दिए कि मेरा और उसका रिश्ता टूट गया, आप कुछ कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी परवरिश का मसला है, आप सल्लम खामोश हैं कि मेरे पास उसका कोई हुक्म नहीं है। हजरत खौला अल्लाह से कह रहे हैं वतश्तकी इलल्लाह, पूरा कुरान उतर गया, पूरी सूरत उतरी, मुझा उसका नाम ही पड़ गया मुजादला,
28वें पारे की सूर की आयत है और पूरा निजाम बताया, तुमने कसम खाई इसका ये कफारा है, आइंदा ऐसा मत करना। कैसा ईमान होगा? वो भी जज्बात रखती थी, वो भी औरतें थी। मेरे भाइयों, हम जिम्मेदार हैं। एक बात तो ये है कि हम सब तय करें कि सच्चे पक्के मोहम्मदी बनकर जिंदगी गुजारेंगे। हाँ, माहौल वाले ने कि माहौल रजा दें तो करने का, माहौल रजा नहीं तो छोड़ देने का। जैसे रमजान का एक माहौल होता है टोपी रखने का, जहाँ ईद आई कि टोपी भी गायब और दाढ़ी के बाल भी गायब और सर के बाल भी, फिर पता नहीं गांजा सो गया कि ये सो गया, वो समझ में नहीं आता। मुसलमान के सर के बाल देखकर ऐसा अफसोस होता है कि वाड़न सो गया था कि कटवाने वाला सो गया, या कैंची मुट्ठी हो गई थी। माहौल का माहौल वाला दीन नहीं। अल्लाह हकीकत को परखेंगे। सहाबा, सहाबा के पास हकीकत वाला था। माहौल कैसा भी था लेकिन इन्होंने मेहनत की तो जिस माहौल में गए वो माहौल उन्होंने अपने जैसा बना दिया, वो माहौल में नहीं रंगे। लोग मजबूर हो गए इनके साथ, इनके जैसे बनने में। इनका अंदर का ईमान इजाजत नहीं देता। हम कितने बरस से बयान सुनते हैं, सच बताओ, कितने बरस से हम बातें सुनते हैं, लेकिन अब तय करो कि नहीं, अब तो जिंदगी में परिवर्तन लाना है। खाली छूट छूट नहीं जाना है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा बना। फिर क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। जिंदगी में परिवर्तन नहीं आया तो कोई बात नहीं बनेगी। असल बात तो बन बनती है जब आदमी अपनी जिंदगी की रविश को बदले, अपनी सोच बदले। बयान में बैठने से पहले मेरी सोच ये थी कि लोगों को नुकसान पहुँचाना, लोगों का जो होना वो हो, मेरा भला हो जाएगा। नहीं, अब बात सुनिए, हरेक का भला करेंगे, हरेक का भला करेंगे, आधी खाएंगे लेकिन किसी को दगा नहीं देंगे, सूखी खाएंगे लेकिन किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, भूखा रहना पड़ा तो एक वक्त का फाका कर लेंगे लेकिन किसी का हक नहीं मारेंगे। मुसलमान है क्या? मुसलमान दुनिया में इसलिए आया है? मुसलमान दुनिया में इसलिए नहीं आया है कि वो लोगों का बटोर कर पूछ जिंदगी गुजारें। मुसलमान इसलिए आया है कि लोगों को खुश करें अपना लगा कर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं बल्कि कर कर दिखाया। इसे मेरे भाइयों, हम जिम्मेदार हैं, हम अपने आप को सच्चा पक्का मोहम्मदी बना लें। और मोहम्मदी बनने के लिए अदाई में नियतें हैं कि नहीं, आज से मुझे ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे मेरे नबी का नाम बदनाम हो, जिससे मेरा इस्लाम बदनाम हो, जिससे मेरा भाई मुसलमान बदनाम हो, जिससे लोग कुरान से नफरत करें, मेरे नबी की जिंदगी से लोग नफरत करें। ऐसी कोई बात न इबादत की लाइन से करूँगा, न मामलात की लाइन से करूँगा, न रहन सहन की लाइन से करूँगा, न इबादत की लाइन से करूँगा। दीन के पांचों शोबे हैं, पांचों शोबे में मैं अपनी पूरी कोशिश ये करूँगा कि मैं मेरे से किसी को तकलीफ न पहुँचे। नियत करते हो? दूसरा काम ये है मेरे भाई कि ये जो बच्चे आपके सामने हैं, ये बाहर के बच्चे हैं, अकलाव के, रुसत के, दुकान के, नापा के जन लोग तो बराबर भूल तो नहीं पड़ती, चलो अलहमदुल्ला अच्छा है, इनके हाफी होने पर आप खुश हो? अरे खुश हो, चलो खुशी है, ये भी बड़ी नियामत है। कभी तो ये होता है कि मौल साहब है हमारे घर में, मौल साहब है, एक तो ये एक आध हो तो बहुत खुशी होती है, पर 25-30 हो जाए तो फिर कदर घट जाती है। कितनी चीज़ें मानस की, 25-30 हो जाए फिर कदर ऊँची हो जाए। हालांकि शुक्रिया में ज़्यादा होने चाहिए कि पहले एक थे, 25 हो गए, अब तो ये हमारे सर के ताज हैं। लेकिन इंसान बेचारा मजबूर है, उसका मन उसके हाथ में नहीं है। ये बच्चे दुनिया की तालीम भी हासिल करते हैं और हाफिज भी बनते हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है, इसकी हम कदर करें। अपने बच्चों को हम आवारा न छोड़ दें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे नाजरा कुरान शरीफ 12-13 बरस की उम्र करते हैं, उसके बाद में पढ़ने की लाइन में 9वीं 10वीं 11वीं में जाते हैं तो फिर वो पढ़ने का मिजाज खत्म हो जाता है। धीरे धीरे वो दुनिया की लाइन में इतने मशगूल हो जाते हैं कि बेचारे नाजरा से भी हद बैठते हैं।
रमजान के अंदर फिर हमको यूँ कहा जाए बेटा एक सुमारा पढ़ो तो उसको 2 घंटे लगते हैं। हालांकि यही वो बच्चा है जो मकतब के अंदर पहला नंबर इसका आता था मकतब में, लेकिन अब क्या हुआ कहा अब इसको नाजरा पढ़ना भी नहीं आता, नुकसान हो गया। उसका आसान ये रास्ता है कि अल्लाह ताला ने उसको दिमाग दिया है, मेमोरी हाई है, कैचअप शक्ति है, हाफिजा मजबूत है, तो उसको हाफिज बनाओ और उसकी मर्जी पर छोड़ो। ये नहीं कि तुझे 2 बरस में हाफिज बन जाना है। हमारा मौलाना उमर साहब पालनपुरी थे, बहुत समय उनके बयान सुने होंगे, मौलाना की 55 बरस की उम्र हुई, कितनी 55 बरस की उम्र में मौलाना जब 55 बरस की उम्र में हाफिज हुए तो मौलाना ने मजमे में कहा लोग बचपन में हाफिज होते हैं, हम बचपन में हाफिज होते और मुस्तकिल कोई क्लास नहीं, मौलाना रोज बयान करते थे निजामुद्दीन में 35 बरस तक फजर की नमाज के बाद कुर्सी में बैठ कर 2-2 घंटे बयान करते थे मालिक, तो वो कुरान की आयतें रोजाना याद करते थे, याद करते करते पूरा कुरान 55 बरस में याद हो गया। और ऐसा कुरान पढ़ते थे सुनने वाले आज भी इस मंदिर में मौजूद हैं। गुजरात के इज्तिमा में मौलाना के बयान होते थे, मगरिब बाद की मजलिस से होती थी, उसमें मौलाना का बयान और जो कुरान पढ़ते थे मजमा झूम जाता था, अजीब एक आवाज थी। दीन हासिल करने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। साउथ में एक इलाका है भटकल, वहाँ के शाफी आलिम में मौलाना इलियास साहब भटकली बहुत बड़े आदमी हैं, अभी चंद दिन पहले हाफिज हुए, 50-60 बरस की उम्र होगी, मौल साहब तय किया कि मुझे हाफिज होना है, हो गए। कुरान तो कह रहा है वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, है कोई याद करने वाला मैं तैयार हूँ। दुनिया की कोई किताब एक फकरा आप याद नहीं कर सकते, लेकिन कुरान का ये जिंदा मौजीदा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि औरत भी अगर हिफ्ज करना चाहे तो औरत भी कर सकती है। हजरत थानी से किसी ने पूछा कि औरत को पढ़वान दुनिया की तालीम दिलवानी चाहिए डिग्री, थाने के करने उसको दुनिया दे के क्या करना है, उसको तो रोटियाँ बनाने की है, उसको घर की ड्राइविंग सिखाओ, कौन सी घर कैसे चला रहे, उसको बाइक चलाना सिखाने की जरूरत नहीं है, उसको घर कैसे चलाने का घर का ड्राइवर बना उसको, क्या यह हाफिज बन सकती है, कहाँ यह हाफिजा हो सकती है, आलिमा तो क्या आलिमा भी हो सकती है। फिर किसी ने पूछा मुफ्ती बन सकती है, कहीं मुफ्ती भी बन सकती है लेकिन फतवा नहीं देती, औरत मुफ्ती क्लास भी कर सकती है लेकिन फतवा, यानी दीन हासिल करने में मर्द और औरत दोनों बराबर है, जितना चाहे उतना दीन हासिल करे कोई कैद नहीं है। हम अपने बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ में इनका शौक है, बल्कि हम कुछ शौक पैदा करें, हम इसको तरगीब दें कि बेटा हाफिज बनो, तुम हाफिज बनोगे तो हमारा सर ऊंचा रहेगा। हमारे मौलाना हुसैन अहमद मदनी नकरल्लाहु मरकज़हु मौली महमूद मदनी के अब्बा हैं, इनके उस्ताद थे मौलाना शेख रहमतुल्लाह अलैह। जब माता की जेल में थे रमजान आ गया, हजरत शेखुलिन रहमतुल्लाह अलैह को रमज़ान में कुरान की तरावी शुरू से सुनने का शौक, लेकिन हजरत हाफिज नहीं थे, मौलाना हुसैन मदनी शागिर्द हैं और शागिर्द उस्ताद दोनों में से एक भी हाफिज थे। रमज़ान आने से पहले हजरत शेखुलिन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मौली हुसैन क्या करेंगे, रमज़ान आ रहा है, हमने तो कभी अलग तरह की तरावी सुनी नहीं, आज तो अलग तरह का शौक हो गया है, अलग तरह कहाँ होती है, कोई मस्जिद ढूंढना नहीं तो कोई इबादत का मौसम फतवा पूछ लेंगे, मतलब अलम तरह पड़े नमाज बुझक ना होती, आखा दिन दुनिया कमाने वास्ते थकता नहीं, तराई 20 रकात सवा सुपारे के अंदर इसका जीव निकल जाता है। कुरान की तरावी सुनो, खुश किस्मत है वो कान जिन कानों से दिल में कुरान उतरे। हम खुद हाफिज नहीं है, हाफिज पर रहा है कम से कम अपने कानों से दिल में तो हम पहुँचाए, अल्लाह ने यह शहादत दी है, ये दिन दिखाया है कि हमारी मस्जिदों में हाफिज हैं। मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं रोजाना 1 सुपारा याद करता था, कितना जेल खाने में सुबह से लेकर शाम तक इफ्तार तक मैं 1 सुपारा मुंह करता था, 1 महीने में हजरत हाफिज हो गया, सुबह से शाम तक मेहनत करके मुंह करता था, रात को उस्ताद को तरावी में कुरान सुनाता था।
उस्ताद की मंशा को पहचान गए। हमारा बच्चा हमारी मंशा को पहचाने कि मेरे अब्बा मुझसे क्या चाहते हैं। हम अपने बच्चों को तरकीब दें, इनको दुनिया की डिग्री कराओ मना नहीं, लेकिन इनको दीन भी दो। तो कुरान से वाबस्ता रखने का एक आसान तरीका है, जब ये हाफिज बनेंगे फिर इनको शौक पैदा होगा, अल्लाह ताला इनको आगे बढ़ाएगा, ये आलिम भी बनेंगे, दुनिया की डिग्री के साथ आलिम बनेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सारे उलमा हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियों के साथ में आलिम भी हैं और इफ्ता भी है, इनके पास मुफ्ती की डिग्री भी है और दुनिया की भी डिग्रियाँ हैं। अल्लाह ने दे रखा है, आदमी नियत करें। इसलिए इस मजमे से हम कहेंगे अपने बच्चों को यहाँ रखें और टैलेंट बच्चों को। अब तो एक मगर माने ये चलू हो गई, ये घर में ना ना है इसको मदरसे में करें, बहुत मजा होता है, बहुत धमा ले रहे इसको मदरसे में करा, मदरसे वाला साथ में मदरसे बनाया पजले इनको साथ में मदरसा है, ये कहीं ना चले तो भी मदरसे में चले। अच्छा था अब्दुल्ला के जमाने में माना सा है छोकरा था, एक आंखी देखता था एक आंख बंद थी। अरे था अब्दुल्ला ने पूछा कितने हैं, देखे तीन है, देखे तीन ही तीन ऐसे थे एक आँख वाले तक ना दो फर्स्ट क्लास है, तेरह पाए देखे दोनों डिग्री लेने गए। आए एक था तकड़ो अल्लाह के नाम दे दीजिए ना देना फिर बेहतर एक दे दो। अरे था अब्दुल्ला ने कहा भाई चलो ये भी गनीमत है, लोग नहीं देते इसलिए तो बेहतर है कि तुमने इतना भी दिया। आज हमारा मिजाज ऐसा हो गया, अच्छा टैलेंट हो ना देखे इसको, और फिर वो बच्चा मौली बन के आता है तो आका काम कहता है मौसम है मुझे मौसम जैसा नहीं, तो अपने दिया कैसा अल्लाह को, अपने जैसा अल्लाह को देगी अल्लाह ऐसा को देगा। होशियार छोकरा दो ना तो आके काम का मसला हल कर, अपने देते ठेंगे वाला तो फिर ठेंगे वाला बारह होता बेचारा है। नियत करो कि होशियार छोकरों को अपने पढ़वाइए, आलिम बनाओ हाफिज बनाओ, इनको डिग्री दिलवाओ, मुफ्ती बनाओ, मदद करें। माना मुफ्ती महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाह ने हिंदुस्तान के बहुत बड़े जाने माने मुफ्ती गुजरे हैं, मुफ्ती आजम थे। एक आदमी को हजरत अब आप जैसे लोग पैदा नहीं होते हैं, हाजिर जवाब यूँ पूछा यूँ जवाब, तो हजरत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, हजरत यूँ हाजिर जवाब थी, सवाल करें तुरंत जवाब मिले। हजरत ने यूँ कहा कि भाई जब हम पढ़ते थे ना उस वक्त लोग अपने घाड़े पसीने की कमाई मदरसे में देते थे, क्या देते थे गाड़े पसीने की हलाल देते थे, अब तुम जो देते हो उसी से तैयार होकर बाहर आते हैं, तुम क्या देते हो तक झका तक बस, अब नतीजा तुम्हारे सामने है। जिसको अल्लाह के नबी ने मां क्या कहा मेल कहा, क्या कहा मेल, और वो भी राह देखने की रमजान में सभी रावे गिनते हैं कि मक्का का टाइम है नहीं। नियत करो अपनी कमाई का हलाल माल मदरसे यार हलाल माल, ये दीन इतना सस्ता नहीं है कि इसके लिए नबी का फरमान है कि आज का मेल है मेरे खानदान को नहीं चले। अपने नियत करें, आदमी नियत करें कि मुझे अपनी हलाल कमाई देनी है, माएँ भी नियत करें, ऐसा नहीं है कि माएँ नहीं कर सकती, माएँ बहने भी कर सकती हैं। राबिया बसंतिया ने अपने ज़माने में मेल खरीदा, राबिया बसंतिया ने हाँ जुबैदा खातून ने हारून रशीद की बीवी हैं माल माल लगाए खूब लगाए, औरतें भी लगा सकती है मर्द भी लगा सकते हैं। इसलिए पूरा मजमा तय करो कि अपने होशियार बच्चों को हम मदरसों में भेजेंगे, इनको हाफिज आलिम ऊपर तक की डिग्री करवाओ दुनिया में। तीसरी चीज ये मदरसा हमारा है, किसका है पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया में जहाँ भी है ये सब हमारे हैं, जहाँ भी हैं जहाँ अल्लाह रसूल का नाम सिखाया जाता है वो हमारा है। हम अपने मान से चलाएंगे, हम इसको चलाने के लिए सरकार के गुलाम नहीं न सरकार के पास हाथ फैलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस सूबे को ये फख्र हासिल है, आज तक मदरसा तो मदरसा मकतब एक मकतब ऐसा नहीं है जिसने हुकूमत से डिमांड की हो कि हमारे मकतब का पगार शुरू करो। ये सूबे गुजरात का ये फख्र है, ये अल्लाह की देन है, हालात पर हालात हैं,
हम खुद जानते हैं कि हमारे यहाँ मकतब पढ़ाने वाले मौलवी साहब को हम कितना हदिया देते हैं। शायद हमारे घर की नौकरानी से भी चौथे भक्का होगा। मकतब पढ़ाने वाले मौलवी साहब का पगार अपने घर में झाड़ू देने वाली नौकरानी का महीने का जो पगार है इसके चौथे भक्का होगा। पर तो भी कोई दिन सरकार थी नहीं, अल्लाह के लिए पढ़ाते हैं, जो देंगे ले लेंगे बाकी अल्लाह से लेंगे। ये हमारे हैं, इसकी कदर करें। इसका जो भी निभाव है वो सब हम उठाएंगे। बार तो लिखे हैं पांच, कितने लिखे हैं पांच, इसके पीछे पांच मिंडे लगा दो इतना भी हो जावे ना, दस मिंडे लगा दो फिर भी करेंगे हम किसी से हाथ नहीं फैलाएंगे। अल्लाह से मांगेंगे और अल्लाह के बंदों पर खर्च करेंगे। हमको तो मांगना सिखाया है, बुजुर्गों ने, स्टडी लगो, आओ मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं। हमारे बुजुर्गों ने ये हमके सिखाया है, हम अल्लाह से मांगेंगे। हम अपनी कमाइयों में कुरान के लिए हिस्सा रखेंगे, कुरान पढ़ाने वाले मौलवी साहब का हिस्सा रखेंगे। हम इनको बेफिक्र कर देंगे, तुम एक ही धुन से पढ़ाओ हमारे बच्चों को, रहा तुम्हारा हदिया, इसकी जिम्मा हम लेते हैं, हम खुद इसकी जिम्मेदारी लें। ये तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हिंदुस्तान की आवाम को कि मौलवी साहब बुखारी भी पढ़ाते हैं और भूख लेकर भी जाते हैं। मौलवी साहब बुखारी भी पढ़ाते हैं और चंदा करने वाले आने वाले में खाली मकतब पढ़ाने वाले नहीं, अबू दाऊद शरीफ पढ़ाते ऐसे लोग भी होते हैं। कभी बैठ कर पूछो कि मौलवी साहब तुम क्या पढ़ाते हो, वो तो बेचारे सीधे साधे लिबास में होते हैं, इसलिए भी समझते हैं कि हो गया। कभी बैठ कर पूछो कौन सी किताब पढ़ाते हो, बुखारी, कोई नसई शरीफ पढ़ाता है, कोई तिरमिजी शरीफ पढ़ाता है, कोई अबू दाऊद शरीफ पढ़ाता है, कोई मुआत्ता इमाम मालिक पढ़ाता है, कोई हिदायत का उस्ताद है। लेकिन ये उम्मत के बच्चों के खातिर के उम्मत का भला हो जाए अपने आप को नीचे बिठाते हैं। वो तो हमारा ये मजमा कभी चंदे में गया नहीं, इसलिए एहसास नहीं है। उसी के मांगने पड़ते हैं तो आदमी को ऐसा होता है कि मर जाना बेहतर है, कोई कैसे हम यार नामे करने से गहरा होती है आदमी को। और ये मस्जिद में खड़े होकर आवाज़ लगाने की अपने लिए नहीं कि मेरी बेटी की शादी है, हमारे मदरसे में इतने बच्चे हैं, अभी तनख्वाह नहीं हुई है, भाइयों कुछ देकर जाना है। पहला लफ्ज बोलते हैं जकात का, कैसा बोलते हैं, लिल्ला नहीं बोलते, लिल्ला छिल्ले बोलते हैं, जकात इतना सबका मदद करके जाइए। ये बड़ी गैरत है आदमी को, लेकिन अल्लाह के दिन के खातिर अपने आप को जलील कर रहे हैं। ये तो इनको जब उस वक्त खुदा ताज पहनाएगा उस वक्त मैं और आप रोएंगे, काश ये काम हमने किया होता तो आज अल्लाह के यहाँ हमारा भी एक मकाम होता, ये काम हमको करने का था। इसलिए हमारा पूरा मजमा माएँ और बहनें भी नक्की करें, हमारे ये भाई भी और हमारे ये जवान मजमा, जहाँ तक मेरी आवाज़ है, ये जवान तय करें अपनी जवानी के जज्बात और ख्वाहिशात का पैसा बचाओ। बालों में 80-80 रुपये मत लगाओ, ये जहन्नम का खड्डा ये पेट भरने के लिए होटल में मत जाओ, अपने घरों में चार रोटी खा लो और पेट भर लो। जो पैसा बचे वो पैसा कुरान पर लगाओ, ये आखिरत की कमाई है। आप कितना ही बेहतरीन खाना खाओ 8-10 घंटे के बाद अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, कितना भी कीमती खाओ ये दुआ पढ़ने की है, सदा किसी के पेट में नहीं रहता। हमारे बुजुर्गों ने ये किया है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहात का आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कबीला नया नया मुसलमान हुआ है, अगर इनको वक्त पर दो रोटी दो कपड़े नहीं मिले तो ये ईमान छोड़ देंगे, आप कुछ इंतजाम कीजिए, कबीला बड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जा उस्मान के यहाँ चला जा और कहना कि अल्लाह के नबी ने भेजा है। हजरत उस्मान के वहाँ गया हो तो दरवाज़ा बंद था, घर में खटाखट की आवाज़ थी, तो पूछा चला, अल्लाह के नबी से पूछा कि गया था, मैं गया था, मैं क्या हुआ, मैं घर में थोड़ी आवाज़ ऊँचानी चाहिए होती थी, एक मरद ने औरत दोनों की आवाज़ थी, खबर नहीं पड़ी दोनों वहाँ चल रहा है। कहा दूसरे दिन फिर गया, वो फिर गया। हजरत उस्मान ने दरवाज़ा खोला, बिठाया, इकराम किया, मैं क्यों आए थे, देखो सहाबा के जज्बात देखो, जिगर उनका भी था, उनके भी मन थे, उनके भी जज्बात थे, उनकी भी ख्वाहिशें थी, लेकिन मान ऐसी जगह पर लगाया। हजरत उस्मान ने कहा भाई क्यों आना हुआ, ऐसी ऐसी बात है और अल्लाह के नबी ने भेजा है, बैठो
अपने खजांची को बुलाया और कहा कल 100 ऊंट आए हैं। कितने? 100 ऊंट जिसके ऊपर अनाज और कपड़ा है, कहाँ है? कहा अस्तबल में, बाड़े में रखे हैं। कहा ऊंट भी लाओ और ऊंटों का सामान भी लाओ। वो आदमी लेकर आया और कहा बैठे जाओ, आपको हदिया है, सामान भी और ऊंट भी। कितने? 100। अपने तो जे ढोल बराबर घसा जाए, क्या मशीन में रखा हो बराबर, जे कुछ काम करना रहे, आप कुर्सी और कुर्सी बराबर घसा दीजिए हो जाए ना, क्या वही सारे सवाल मशीन में दे देते लीजिए। उतना ऐसी कुर्सियाँ मुझे जरूर नहीं, इमाम सब खड़े खड़े बयान करने चले जाए। अल्लाह का दिन इतना सस्ता नहीं है कि घसे लगा दे। यार माल दो, अपने घर में घुसने से पहले खुदा के घर में आना चाहिए, हाँ, वरना नतीजा हमारे सामने है, जैसा देंगे वैसा खुदा देगा। उसने कहा कि हजरत में कल भी आया था और कल तो तुम लड़ते थे। कहा क्यों लड़ते थे? कहा बात ऐसी थी कि मेरी बांदी ने दीवे की दीवेट जरा ज़्यादा कर दी तो तेल ज़्यादा जलेगा, वो मैंने उसको ऐसा कहा कि थोड़ी धीरी रखनी थी, उजाला तो करना था, ज़्यादा हो गए कम हो, मैं उसको डांट रहा था। काका भी अजीब आदमी है, आप मुझे पहचानते नहीं, सिर्फ आका के फरमान पर 100 ऊंट दे दिए और घर के अंदर तुम्हारा अपना माल है, डिबेट जरा बड़ी हो गई तो आप बानी को डांटते हैं। क्या जवाब दिया हजरत उस्मान ने? अल्लाह करे हम सबको समझ में आ जाए। हजरत उस्मान ने कहा भाई बात असल ये है कि हमने कलमा पढ़ाने तो उस कलमे में हमने इस बात का इकरार कर लिया, अपनी जात पर कम से कम लगाएंगे और अल्लाह के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। ये हमारा नहीं है, ये अल्लाह का है और ये अल्लाह का हमारे पास अमानत है, इसको हिसाब देना है। जो उसके नाम पर लग गया उसका हिसाब नहीं होगा और हमारे ऊपर लगा उसका हमको हिसाब देना पड़ेगा। तो देखो आज भी उसका उस्मान का नाम जिंदा है कि नहीं? लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं उस्मान और पीछे रखते हैं गली, पर गली जैसा कुछ होता तो खाली उस्मान गली नाम रखने से नहीं होता, उसके पीछे उसकी एक मेहनत है, उसके हाथ से सखावत करवानी पड़ती है। बेटा ले ये फला गरीब को, फला यतीम को, फला बेवा को देकर आओ, तो फिर वो सीखता है कि गली किसको कहते हैं, सखावत किसे कहते हैं। इसलिए ये पूरा मजमा तय करें, ये मदरसा हमारा है, दुनिया में जहाँ कहीं अल्लाह रसूल का नाम सिखाया जा रहा है ये सब हमारे हैं, हम उसमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा हलाल कमाइयाँ लगाएंगे, इसका पूरा खर्च अपने सरों पर उठाएंगे। हमारे पास कौन आवे क्यों, हम खुद कहें कि मौली साहब आप फिर करो हम लगाएंगे, आप हमको आंकड़ा दे दो आपकी ज़रूरत क्या है। ऐसे नौजवान हमने देखे हैं, ऐसे नौजवान चार चार नौजवान एक मुदरिस का पगार पूरे बरस का उठा लेते हैं, किसी को पता नहीं, वो चार आके कहते हैं मौली साहब एक मुदरिस हमको दे दो, पूरा साल हर महीने पहली तारीख को तनख्वाह हम दे रहे हैं, आप बेफिक्र हो जाओ, आप हमारे औलाद को पढ़ाओ, ये तो हमारी गैरत को आर है कि आप पढ़ावे भी और इनके लिए खर्चा भी क्यों जमा करो, तो फिर हम किस काम के, ये पूरा मरमा तय करो मेरे भाई, ये हमारा है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, इस पर जो मान लगा वो हमारा है, खाया वो हमारा, पहना वो हमारा, आगे चलता किया वो हमारा, जो छोड़कर गए ने वो पीछे वाले राग देखते हैं, अब्बा कदे वो निकले ऐलान मस्जिद में हो कि फिर बेचने का शुरू करिए, सब इंतजार में, कोई का देवा है अरे कोई का उसी का लेने का देने का, क्या जाए इसे अपने बेचने का शुरू कर देगी, बाकी पीछे कोई इसाले सवाब में एक पंखा लटकाने राजी नहीं, पंखा लटकाने कोई राजी, मुफत के चार आंसू बे मैंने पीछ हो जाते, कदर इसमें ये आंसू बहाने में पैसे खर्च होते ना तो ये ना पड़ते, पर देखा देखी आंसू निकल जाते इसके लिए लोग रो लेते हैं, इसमें जो पैसे होते ना कि आओ होने के पैसे दे के कोई ना मिला करो ना, आदमिया की मोहब्बत का हाल है, इसलिए अपनी औलाद पर लगाओ, ये हमारे हैं, आप लोगों के मौसम मिलता है ये कह देना तो मौलवी सब बन गया, अबे किसके वास्ते लगाना, तो हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, ईमान वाला दुनिया की जिस कोने में भी होगा, काला हो या गोरा हो, अरबी हो या आजमी हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, छोटा हो या बड़ा हो, आलिम हो या जाहिल हो, अरबी हो या आजमी हो, कोई भी हो, वो हमारा है, उसको हम अपने सीने से लगाएंगे, हमारा जान माल वक्त सलाहियत सब उसके लिए करेंगे।
ये ईमान के ईमानदार होने के मोमिन के ईमान ईमान है उसमें, इसकी ये निशानी है कि इसके अंदर ये जले। ये तीन बातें मैंने आपसे कही। माओ बहनों से मैं कहूँगा अपनी बेटियों को घर चलाना सिखाओ। आज एक क्रेज है पूरी दुनिया में, एक क्रेज है और इतना बुरा क्रेज है इसका कि कुरान ने कहा फलियतना फसिल मुदना फिसून, लोग रेस लगाते हैं। अल्लाह कहते हैं आओ रेस लगानी है तो दीन है, यहाँ रेस लगाओ कि तूने रात को कितनी नफले पढ़ी। कहा मैंने 50 पढ़ी, तो सामने वाली यूँ कहे फातिमा मैंने 60 पढ़ी, तो 50 वाली शर्मा में कि मैंने 10 कम पढ़ी। लेकिन आज रेस दूसरी है, ये जोड़ा कितने का था 1500 का, अब वो दूसरी का 1000 का है, जब तक ये 2000 का पहनेगी नहीं वहाँ तक इसका ब्याज छूटा नहीं पड़ेगा। ये रेस लगाने की दुनिया नहीं है, रेस लगाओ अमान में, रेस लगाओ इबादत में, रेस लगाओ खुदा के सामने सजदे करने में। अल्लाह कहते हैं आओ रेस लगानी है तो ये दीन है जिसमें रेस लगाओ। इसलिए अपना माल माओ बहनों से कहूँगा अपनी बेटियों को डिग्री दिलवाओ, लेकिन बहुत सोच समझ कर दिलवाइयो। हाँ जिम्मेदारी है, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, जिम्मेदारी की बात आपको कह रहा हूँ। हम मना नहीं करते हैं, लेकिन जो शराइत दुनिया में कहे हैं उलमा ने कुरान हदीस की रोशनी में, उस शराइत के साथ अगर हैं तो सर आँखों पर है। अगर उनमें से एक शर्त भी टूट गई तो दुनिया में कहीं इसकी इजाजत नहीं है। इसको घर चलाना सिखाओ। शोहर किसे कहते हैं, ससुराल किसे कहते हैं, सास किसे कहते हैं, इसको रहना कहाँ है, ससुराल में। इसके पास ये दीन नहीं होगा चाहे दुनिया भर की डिग्रियां हो, ये सुकून से अपने ससुराल की जिंदगी नहीं गुजार सकते। इसने ससुरा को समझाई नहीं, सास को समझाई नहीं, ननद को समझाई नहीं, शोहर को शोहर समझाई नहीं, औलाद को औलाद समझाई नहीं, यानी शोहर के रिश्तेदारों को उसके हुकूक नहीं समझे हैं। अब इसके पास चाहे कितनी डिग्री हो, दुनिया में कोई कॉलेज में इसको ये नहीं सिखाया जाता तुझे तेरे शोहर के साथ कैसा बर्ताव करना है, ये तो कुरान और हदीस ही सिखाएंगे कि तुझे तेरे शोहर से कैसा बर्ताव करना। इसलिए अपनी बेटियों को अपने मोहल्लों में जहाँ जहाँ तालीम होती है, हफ्तावारी तालीम है, और आपके यहाँ मकतब में माशाल्लाह एक अच्छा निज़ाम है, आप आएँ पढ़ाती है, वहाँ इनको बिठाओ, उनके पास बैठकर पापाओं के पास हमारी जवान बेटियाँ शादी होने से पहले उसकी ससुराल का दीन सीखें। शोहर का क्या हक है, ससुर का क्या हक है, ननद बावज का क्या हक है, मेरी औलाद जो दुनिया में आएगी उसका मेरे पर क्या हक है। जब हुकूक अदा होंगे तो मोहब्बतें बढ़ेगी। इसलिए इसको ये सिखाना है, इसलिए कि इसको पायलट प्लेन नहीं चलाना है, इसको गाड़ी नहीं चलानी है, हमारी शरीयत इसको इजाज़त नहीं देती है। कोई यूँ कहे सऊदी में तो भाई तू सऊदी चला जा और वहाँ चलवाई, लेकिन तुझे इंडिया के मुफ्ती इजाज़त नहीं देते, सऊदी के मुफ्ती इजाज़त दें तुझे गनीमत पूरा लाभ मश्कर लेके सऊदी चला है और वहाँ डायमंड भी कर रहे, तेरे घर वाले भी करें, लेकिन हिंदुस्तान का मुफ्ती तुझे इजाज़त नहीं देता। चाहे वो मुफ्ती आजम की बेटी हो, मुफ्ती आजम खुद बतवा देगा कि औरत का ड्राइविंग करना कुरान हदीस की रोशनी में जायज नहीं। चाहे वो पक्का बुरखा पहन ले, पक्का बुरखा पहन ले, दो आंखें तो फिर भी खुली रहेगी। और ये शैतान का हुआ है कि मैं किसी को कहाँ देखती हूँ, तेरी दो आंखें गैर महरम को देखती हैं, जैसे मर्द को कुरान का हुक्म है तो गैर महरम को न देख, ऐसे औरत को भी हुक्म है। वकुल मुमिनात यगदुन मिन अबसारहिन वयहफजन फुरूजहुन। नबी जी अपनी उम्मत की औरतों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें। तो डायरी पर निगाहें नीची हो सकती हैं, अरे बोलो हो सकती है, और होगी तो क्या होगा, फिर जिंदगी खत्म। इसलिए माल अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह आपको बहुत माल दे, लेकिन माल में कभी भी अपनी बेटियों को गवर्नर मत पकड़वाओ। हाँ ये किरदार को मजरू करना है, किरदार खत्म हो जाता है, और किरदार इम्पोर्टेड चीज है इस्लाम में। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका।
बातें बहुत अच्छी करता है लेकिन किरदार में जीरो है। असल तो किरदार है कि हमारे घर की खातून जाए, मेरी माँ बहन बेटी निकले तो कोई उसे देखे क्या? अव्वलन तो उसको निकलने की इजाजत नहीं है, अगर वो निकले तो बाप के साथ जाए, शौहर के साथ जाए, माँ है तो बेटे के साथ जाए, बहन है तो बाप के साथ, भाई के साथ जाए, अकेली नहीं। हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी हमारे सामने है, पूरी जिंदगी का किसी ने नहीं देखा, वसीयत करती है मुझको रात को दफन करना ताकि किसी को पता ना चले कि मोहम्मद की बेटी फातिमा दुबली दिया जा रही थी। वसीयत के मुताबिक रात को दफन की गई। ये जिंदगी है, इसे कहते हैं किरदार। इसलिए माएँ और बहनें अपनी बेटियों को जिंदगी सिखाओ, ये पराए घर की अमानत है। बेटियाँ बैठी है ये भी पल्ले बांध लें कि हमें अपने आप को हया के साथ रखना है, हमें अपनी इज्जत के साथ जीना है और इज्जत के साथ मरना है। अल्लाह के होकर रहेंगे और अल्लाह के होकर मरेंगे। हम गुर्बत में कभी ईमान का सौदा नहीं करेंगे, हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, हमें दुनिया छोड़नी पड़े छोड़ देंगे। मुआतसिम बिल्लाह ये बादशाह हैं, उसके ऊपर चंगेज खान ने या हलाकू खान ने हमला किया तो मुआतसिम बिल्लाह हार गए। मुआतसिम बिल्लाह की एक बांदी थी, बहुत खूबसूरत नौकरानी, ऐसी चंगेज खान ने कभी अपनी जिंदगी में देखी नहीं थी। तो उसका दिल ले बैठा हो तो उसने अपने पास बुलाया, वो बांदी को गैरत देखो, हया कितनी है बांदी को, हालांकि बांदी है आजाद औरत नहीं, मुआतसिम बिल्लाह की नौकरानी है। जब उस चंगेज खान ने या हलाकू खान ने उस पर कब्जा किया और उसने जब अपने गलत नीयत जाहिर की तो उस लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए कि मैं मुआतसिम बिल्लाह की बांदी हूँ, मुझको एक मर्द ने हाथ लगाया है, अब और कोई मर्द मुझे हाथ नहीं लगा सकता। उसने ऐसी चाल चली, चंगेज खान से यूँ कहा कि मेरे पास एक वजीफा ऐसा है कि अगर वो मैं पल लूँ और कोई मेरे पर तलवार भी लगा लें तो मैं कतल नहीं होंगी। मुझको मुआतसिम बिल्लाह ने यह वजीफा सिखाया है। तो वो तो बहुत खुश हो गया है, तो अच्छा है, मरेगी नहीं, हमेशा जिंदा रहेगी। उसने कहा मैं नहीं मारता। कहा नहीं, तू मारे पर दबा दे, मैं नहीं मरूंगी। तो आदमी पागल हो जाता है, समझे, पागल हो जाता है। उसने एक वार किया तो गर्दन उड़ कर गई। ये हया है, गैरत, गैरत है कि मैं मुआतसिम बिल्लाह की बांदी हूँ, मैं चंगेज खान हलाकू की नहीं। हालांकि ये इसका ख्याल करना गलत था, यह आपघात किया उसने, लेकिन गैरत हया माना है। मेरी माएँ और बहनें और मेरी बेटियाँ अपने आप को इज्जत के साथ रखो, हाँ, अपने ईमान का, अपने किरदार का सौदा न करो, अपने घरों में रहो, दीन घर में रहकर हासिल करो, अपने मोहल्ले में कोई आ पाए पढ़ा दिए वहाँ चले जाओ, मदरसे में मुअल्लिमा उसके पास बैठ कर पढ़ो, दीन हासिल करो, दीन में पूरी छूट है जितना हासिल करना हो, लेकिन दुनिया के लिए सोच समझ कर। वालियों से भी कहूँगा, हाँ, ये जितने मेरे भाई और मेरे वडील जो बैठे हैं ना बुजुर्ग, इनसे कहूँगा अपनी बेटियों को पढ़ाने से पहले किसी समझदार मुफ्ती के पास बैठकर मसला समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि हम निगरियों के खातिर अपने किरदार को जख्मी कर रहे हो। और एक मर्तबा किरदार जख्मी हो जाता है, कभी ये सीता नहीं है, हाँ, कभी नहीं सीता है, चाहे आदमी करोड़ों रुपया खर्च कर दें लेकिन किरदार कभी समझता नहीं है बात। इसलिए हजरत थानवी रहमतुल्लाह रहमान ने कहते थे कि औरतों को इतना पढ़ाओ दुनिया दुनिया जितना है इसको कोई धोखा न दे जाए, बस इसलिए इसको घर में रहना है। इसलिए हजरत ने अपने ज़माने में किताबें लिखी औरतों की लाइन की, हुकूक ज़ौजैन, इस्लामी माशरत, कि एक बीवी अपने शौहर के साथ कैसे रहे। लोग हमारे पास आते हैं उलझे हुए मसले लेकर, उलझ गए बेचारे, दोनों कमा रहे हैं, बीवी मियाँ भी, कमाइयाँ खूब हैं लेकिन सुकून नहीं है कि मौल साहब क्या करें, भाई तुम्हारे क्या तकलीफ क्या है, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, तुम्हारी भी सैलरी है, तुम्हारे घर से भी सैलरी है, बच्चे की सैलरी वाले हैं, तकलीफ क्या है, क्या बहुत है लेकिन सुकून नहीं।
सुकून नहीं है। और सुकून अल्लाह ने दीन में रखा है। और औरत को कहाँ रहना चाहिए? घर की चार, अरे बोलो कहाँ रहना चाहिए? हाँ, दीवा घर में जलता है, दीवा घर के बाहर कभी नहीं जलता है, वरना दुनिया की जहरीली हवाएं इसको बुझा देती हैं। हाँ, इसको घर में, ये घर की शोभा है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, हाँ, इनको कुरान की चंद सूरतों के नाम देता हूँ, वो तर्जुमे के साथ किसी मुअल्लिमा से पढ़ा दो इसको। एक सूरह नूर पढ़ाओ 18वें सुपारे में, एक सूरह अहज़ाब पढ़ाओ 21वें सुपारे में, एक तीसरी सूरत सूरह निसा पढ़ाओ। इसमें औरतों की लाइन के मसाइल हैं कि इसका किस किस से पर्दा है, और ये किस किस से चेहरा खोले बगैर बात कर सकती है और चेहरा खोल कर बात कर सकती है। लगे हाथ एक मसला कह दूँ, लड़की अपने ससुराल में अपना चेहरा सिर्फ अपने ससुराल के सामने खोल सकती है। लड़की अपने ससुराल में सिर्फ उसके ससुराल के सामने अपना चेहरा, उससे पर्दा, इसलिए कि उसका बाप है, उसके शौहर का बाप है, उसका बाप है। शौहर मर भी जावे फिर भी ससुराल से निकाह हराम है। इसके अलावा उस शौहर के जितने रिश्तेदार हैं सब के सब इसके घर में रहते हैं, सबसे इसका पर्दा है। अब ये दीन कहाँ सीखेगी बेटी? ये दीन मुअल्लिमा के पास जाएगी तो मुअल्लिमा समझाएगी इसको। बेहिसी जेवर में ये दीन हजरत ने लिखा है, सूरह निसा के आखिरी सफ़े, चौथे सुपारे के आखिरी सफ़े पर ये सारे नाम लिखे हैं। कुर्निमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम, ये सारे अल्लाह ताला ने गिन गिन कर, ऐसा कुरान हमारे पास है, हमें किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास है। हम दुनिया को सिखाएं, हमें कौन दुनिया हमें क्या सिखाती है? लोग पर्दा नहीं करते थे तो बीमारी के बहाने पर्दे कर दिए, चेहरे नहीं छुपाते थे ना, हंताड़िए हमें तो आजाद करी, खबरदार नहीं हंताड़ो अजर बटन थे, सबको पर्दा करते कर दिए, मर्द नहीं करते थे मर्दों को भी कर दिए, एक लाइन में खड़े कर दिए, दोनों फीट के साथ खड़े हो गए सबको, मुसलमान गैर सब क्या करते हैं, कहो वही बोल, नहीं तो हजार रुपये डन थे, सीधी जिससे नहीं पकड़ोगे तो खुदा यूँ पकड़वाए। अल्लाह कह रहा है पर्दा करो तो कर लो। हम एक काकर के पास गए हमारे घर से मुस्कुरात को लेकर, तो उसने पूरी जांच की, तो मुझे वगैरह पहने थे हाथों के पौधों में, तो डॉक्टर गैर मुस्लिम है, वो कहता है तबियत कोरोना था मुसलमान ने कोरोना ना था, मैं कैम साहब का कहता मैं बोलूँ ऊपर की नीचे उधर पहरा पहरा ज करो, इसलिए मुसलमान ने कोरोना थायल नहीं, ये तो अभी जन्म लिया है इसने, एक बरस हुआ जन्म लेने को इसको ये बीमारी, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले क्या कर रहे हैं? कुर्बान हो जाओ उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने इतनी प्यारी जिंदगी हमें दी कि कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मेरी माएँ और बहनें और मेरी बेटियाँ जिनकी उम्र 9 बरस की हो गई, वो भी तय करें कि हम अपने आप को छुपा कर रखेंगे, और जिनसे पर्दा है पूछ पूछ कर हम पर्दा करेंगे कि हमारा किस किस से पर्दा है। और तुम भी ये जो मदरसा चल रहा है, जिस मकतब में तुम पढ़े हो वहीं पर ये मदरसा हिफ्ज़ क़लास भी चलता है, यहीं पर ये बच्चे हाफिज होते हैं, माएँ और बहनें भी इसके अंदर हिस्सा हैं, अपनी हलाल कमाइयाँ डालें। साल के आखिर में रोज़ाना शोहर देता है, आप लोग देते हो घर में घर खर्ची? अरे देते हो नहीं देते? ये कितना बचाना है बरस के आखिर में पूछने का, उसकी आसान तकती भी है रमजान से पहले पूछने का कि जकात निकाल लें ये कितना है तेरे पास, तो वो सारा आंकड़ा डाला जाएगा कि तुमने घर खर्ची जो दी वो पूरी की पूरी घर में खर्च हुई कि उसमें से बचा के रखा है, पूरा आंकड़ा सामने आएगा। गुस्से नहीं होने का कि मैंने तुझे दे दिया वो तेरा था, तो आपको समझ में आएगा कि अल्लाह ने इनको इतनी सलाहियत दी है कि वो 50 के अंदर से 40 में काम निकाल देगा, 10 फिर भी बाकी रखे कल काम आएंगे, गलत नीयत से नहीं, मैं 10 रुपये बचा कर। और हम होते हैं होते 50 है और जोर सौदा करते हैं, एक मर्द है कि पैसे हैं कि अपने 50 और जोर कितना करेगा 100 का, और औरत के पास 50 होंगे उसमें भी 10 कैसे बचे इसके फिराक में रहे। अल्लाह ने इसको सलाहियत दी है, इन सलाहियतों का हम इस्तेमाल करें। माएँ और बहनें भी अपने घरों में ना हो तो ऐसा कोई निज़ाम बनाएं कि साल भर में एक रकम हम अपने मदरसों को दें, ये हमारा है, हम ही इसको निभाएंगे, हम ही इसको आगे चलाएंगे।
हम किसी के पास भूख लेकर नहीं जाएंगे। मेरा बच्चा हो कॉलेज में पढ़ता हो, उसका सेमेस्टर पूरा हो गया, दूसरा सेमेस्टर शुरू हुआ, तो मैं ईमानदार के पास जाता हूँ, मेरे बच्चे का दूसरे सेमेस्टर आने का है, चौपड़े ना पैसे दो। अरे मैं मेरी गैरत को गवारा नहीं होगा, बच्चा मेरा हो, सेमेस्टर इसका दूसरा शुरू हो और मैं ईमानदार के सामने हाथ फैलाऊँ, भागी गैरत का। मैं मुसलमान हूँ, मेरा बच्चा है, मेरे मोहल्ले का है, मेरा भाई है, ये हाफी है, और मैं भूख लेकर किसी और के पास जाऊँगा, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं। इसलिए माएँ और बहने भी तय करें अपनी हलाल कमाइयाँ इसमें लगाएं, ताकि राबिया भी आपको सलाम करे कयामत के दिन कि मैं भी मेरे पीछे राबिया छोड़ कर आई थी। जुबैदा भी तुमको सलाम करे कयामत के दिन कि मैं यूँ समझती थी कि हारून की एक जुबैदा है लेकिन मेरे पीछे हजारों जुबैदा है, कि जिसने मेरे जैसी नहरें खुदवा दी, कि जुबैदा ने बगदाद से लेकर मक्का तक नहर खुदवा दी कि लोगों को मीठा पानी मिले। साहबा कहते थे ऐसे काम करें, ताबीन ने कहा ऐसे काम किए उस ताबीन ने, और फिर एक जुमला कहा साहबा भी कहें कि हम किसी मर्द छोड़ता है। इसलिए पूरा मजमा और पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें और बेटियां तय करो कि इस मदरसे को दिन ब दिन हम आगे बढ़ाने की फिक्र करें, और उसके लिए जो कुर्बानी हमें देनी हो वो कुर्बानी देने के लिए हम तैयार रहेंगे। अपना जान, अपना माल, अपनी सलाहियत, अपनी राय, हमारे जो सलाहियत है उस सलाहियत से अल्लाह ने माल दिया, उस माल से अपने दो चार धंधे हैं, एक धंधे के अंदर इसका हिस्सा रख लो कि ये मेरी दुकान का जो भी नफा आएगा ये मेरे मदरसे के लिए आसान है। करना हो तो सब कुछ आसान है। ऐसे भी लोग पड़े हैं जिन्होंने चंद मकानों का किराया सिर्फ मदरसों के लिए करके रखा है कि ये मदरसे का साल भर का जो भी भाड़ा आएगा ये मदरसे में अल्लाह दे रहा है, बड़ा चला कर दे रहा है। भाड़वा भी कहता है कि तुम्हारा लगता है हमारा भी लगे, वो भी 100-500 ज्यादा लगता है। करना है तो सब कुछ आसान है। इसे मेरे भाइयों ये मजमा तय करें कि हम इसके लिए दुआएं भी करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे भी, दीन के साथ दुनिया भी और दुनिया के साथ दीन भी। इसके सबसे पहले दीनदार बनाना, बाद में उसको दुनियादार बनाना, यानी दुनिया इसको सिखाना। और ये पूरा मजमा एक बात तय कर लो कि रमज़ान में 3 दिन जरूर लगाएंगे। तब से इंशाल्लाह बोल बोल कर मान लगाने लगे इंशाल्लाह, जान लगाने लगे इंशाल्लाह, राय लेने लगे इंशाल्लाह। अब 3 दिन की बारी है तो धीरा धीरा नहीं बोलने का। मुसलमान तो मर्द होता है, जोर से ही बोलता है। ये पूरा मजमा तय कर कि रमजान में 3 दिन जरूर लगाएंगे। ये बात हुई, इंशाल्लाह नहीं जाएगा, इंशाल्लाह बोलने वाला जाएगा। ये बात भी है, मैं तो इंशाल्लाह कहला इंशाल्लाह को पकड़ाता फिरता है तो इंशाल्लाह बोलने वाला जाएगा। समझे, मुसलमान है बहुत होशियार है। दुनिया गैर की जहाँ अकल खत्म होती है मुसलमान की सोच वहाँ शुरू हो जाती है। अल्लाह हम सब के लिए आसान फरमाना। देखो रमज़ान का महीना आता है, अपने प्रॉपर्टी है इसका हिसाब करो, सकात है सकात निकालो, औरतों से कहूँगा तुम्हारे पास जेवर है तो जेवर को जोड़ो, इसको तुलवाओ, इतनी कीमत के होते हैं, छुपाओ मत, शोहर आपको डांटेंगे नहीं, आपको डर हो तो तुम्हारे सामने इनसे आहार दे देते हैं, भाई कुछ कहियो मत, कुछ कहोगे नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, तुम अपना जेवर इनके सामने रख दो जो भी हो, ताकि तुम्हारे माल की ज़कात निकले। अगर 1 रुपये की भी ज़कात बाकी रह गई तो ये 1 रुपया तुम्हारा सारा माल लेकर खत्म कर देंगे, आका का फरमान है। इसलिए ज़कात हर साल निकालनी, रमज़ान में लोग निकालते अभी से हिसाब करो। और औरत की ज़कात अगर शोहर निकालता है, बेटी की ज़कात बाप निकालता है तो परमिशन ले लें। अगर उसकी इजाज़त के बगैर आपने ज़कात निकाल दी, मस्जिद में आए और लिखवा दिए 500 रुपये, घर जाकर बीवी से कहा मेरे जेवर की ज़कात निकाल दी, बीवी ने कहा मेरी रजा है, नहीं चलेगा, ज़कात बाकी की बाकी और 500 रुपये नफर सकता हो गया। निकालने से पहले परमिशन शर्त है, इसलिए इजाज़त दे दें। बेटी है तो बेटी बाप को इजाज़त दे दें, शोहर हैं बीवी शोहर को इजाज़त दे दें, या शोहर बीवी से इजाज़त दे दें। और अपने घरों में देखो कौन है, अपने रिश्तेदारों में देखो, अपने मोहल्ले में देखो, अभी से निकालो, उनको 1 रमज़ान का राशन भर दो ताकि बेचारा गरीब कम से कम शहरी गुजारी सही कर सके। इसके महीने के रोज़े हो जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, हमारे पैसे सही जगह पर लग जाएंगे। इसलिए अभी से हिसाब करें, थोड़ा थोड़ा निकालते रहें, चलते वाले भी आते हैं उनको भी खुश करें। लॉकडाउन में मदरसे बंद रहे, बेचारे कैसे कैसे हालात में गुजरने जी रहे हैं, वो तो जिस पर गुजरे वो जाने, जिस पर गुजरे वही जाने। अगर
अल्लाह इसका बदला तो खुदा ही देगा, दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इसलिए इन चंदे वालों को भी खुश करो, उन्हें तो उनकी पगड़ी भी दे दो, कुछ ना कुछ देकर इनको खुश करो, इनसे नफरत ना करो। ये आए तो खुश हो जाओ, अल्लाह तेरा एहसान है, मैं कहाँ, मेरा माल कहाँ और तेरा घर कहाँ, तेरा दीन कहाँ, तूने मुझे तौफीक दी कि इतना मालदार हो गया कि मैं लिखवा सकूँ। बहुत तस्दीक मत देखो, अल्लाह तस्दीक देखने पर आएगा ना तो बाट लगा देगा। हाँ, बाजे लोगों को तस्दीक नहीं देना, ऐसा जज्बा पैदा होता है ना, चढ़ जाती है तस्दीक तस्दीक तस्दीक। ठीक है देखो, लेकिन इतनी गहराई में जाके मत देखो, वरना वो तस्दीक देखने वाला जब कयामत में देखेगा ना तो बाल की खान निकाल देगा। क्या करेंगे फिर वहाँ अल्लाह तस्दीक देखेगा तो क्या जवाब हमारे पास है? अगर कैसा ऐसा कोई बेचारा मुसलमान आ गया मजबूर है तो उसको एक तरफ का और कहो भाई इस तरह से मत करो, आप हमको दे देते हैं, हम आपके लिए आपका जमा कर देते हैं, लेकिन मदरसा का सहारा लेते ऐसा हमको, मुसलमान को बेइज्जत करना ये अल्लाह को पसंद नहीं है। एक मुसलमान काबतुल्लाह से भी ज़्यादा कीमती है, हाँ मामूली बात नहीं। इसलिए मुसलमान से बदगुमानी बहुत बड़ा गुना है, बहुत बड़ा गुना है। इसलिए ज़कात भी निकालो, सदका खिदरा भी निकालो, रमज़ान के रोज़े रखो। पीछे बैठे हैं जवान, वो भी तय करें रमज़ान के रोज़े रखेंगे। हाँ रमज़ान के रोज़े रखो, फर्ज हैं, ये नफल नहीं है। हाँ काम धंधा होता है लेकिन रमज़ान के रोज़े नहीं रखते, जवान अपने कटते हैं लेकिन रमज़ान के रोज़े नहीं रखते। और अजीब एक बीमारी आखिरी बात, फिर अपने घर में कुरान की मजलिस करते हैं लोग, वो खिदमत ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये चंद सालों से एक बीमारी निकली है, खिदमत ग्रुप। अब खिदमत करते हैं रोजगार की, लेकिन ये खिदमत ग्रुप वाले रोजा नहीं रखते, ये कारगुजारी है। आपके यहाँ रखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है कि रोज़ा भी रखते हैं, रोज़ा खुलवाते भी हैं, लेकिन बाजे जगह पर अपने जिले में जैसे कारगुजारियाँ हैं रोज़ा नहीं रखते, तो ये कौन सी खिदमत है? ये तो कोई खिदमत नहीं है, और अल्लाह को ऐसी खिदमत की कोई ज़रूरत नहीं। तुम खिदमत बनज कर दो और तुम रोजे रखो और मस्जिद में आ जाओ, बस अपनी खिदमत कर लो तो बात है, हर एक अपनी रोजी खाएगा। इसलिए कोई आदमी खिदमत करना चाहे तो सबसे पहले अपना रोज़ा रखें, फिर अम्मत के रोज़े रखवा खुलवाने की कोशिश करें, अल्लाह ने जो दिया है उसमें। और कमाने की नीयत ना हो, अपना कुछ जाए ना, ऐसे नीयत करने धंधा नहीं, खिदमत तो खिदमत है करेंगे, अल्लाह हम सबको कबूल करवाए। आ जाओ भाई आप।